तंबू के अंदर आए हैं और ये है माता जी, खाना बना रही है बहुत ही गजब शानदार तरीके से। राम राम। राम राम। का नाम था को? तुम्हारा नाम? हाँ है ममता। अच्छा ममता जी, किसकी रोटी बना रही है? गेहूं की। अच्छा गेहूं की, कितने लोगों के लिए? हाँ, ये पांच चार। अच्छा चार पांच। और सब्जी कौन सी बनाई है? दाल। अच्छा दाल बनाई है। देखो दोस्तों, ये जंगल में यदि आप सर्वाइव करना चाहते हैं, कई बार आप ऐसी परिस्थिति होती है कि हम रुक नहीं पाते हैं, लेकिन देखिए ये लोग जंगल में सर्वाइव कर रहे हैं और बिल्कुल चूल्हा भी देसी स्टाइल में बनाया, तीन ईंटें लगाई, तीन पत्थर लगा के और दूर से। तो इन माताओं, इन महिलाओं से हमारे को सीखना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में कितनी मेहनत से ये खाना बनाते हैं और कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर पुष्कर मेले में आप आए हैं, तो किस लिए आए आप? और ऊँट खरीद लिए? तो आप कब जाओगे? अभी दो तीन दिन में। अभी पुष्कर मेले में घूम रहे हो आप, कितने ऊँट खरीदे? चार ही लिया। और खरीदोगे? खरीदोगे, मिल जाओगे तो। तो एक लगभग एक ऊँट की कितनी प्राइस रहती है? देखो 40 का ही मिल जाती है, 50 का ही मिल जाती है। खाना आप बना रहे हो, सब्जी को कौन सी बनाई? दाल। जो एक बार देखो दाल को दिखाओ, एक क्या क्या मिलाया इसमें दाल में आपने? मसाला और मिर्ची, लहसुन सब मिलाया। बहुत शानदार दिख रहा है कलर तो। जो ये रोटियां है, पानी वाली रोटियां बना रहे हो? हाँ। बिना बेले है ना? क्या करा? स्वाद बनती है ना ये, वैसे वो बेलन वाली से तो। हाँ, है ना, पानी वाली सही। अच्छा बिना बेलन ही सेक रहे हैं वो? बेल बिना बेलन, बिना बेलन, जैसे बेलन से अपन बेलते हैं ना ऐसे। माता जी रहते फिर ऐसे ही हो, टेंट वगैरह कुछ लग रहा है? खुले में रहते हो? खुले में रहता हूं। खुले में रहते हैं? अरे तो जाओ ना काय गुरु आपको, फिर घर जाते हैं ना ऐसे, है ना? यार मकान मेरे, मकान हमारा ही ना, भी देखे जा। तू कितने पढ़े? 36वीं। जो है पुष्कर के रेगिस्तान में, और आप चारों तरफ देखिए ऊँट ही ऊँट है और यहाँ तंबू तने हुए हैं। हम जानते हैं इनके कल्चर को, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और देखिए ऐसा नज़ारा आपको बहुत कम देखने को मिलता है। और कैसे यहाँ पर ये मेले पुष्कर में रुके हुए हैं, खाना भी बना रहे हैं। और अब मैं आपको जो सामने खाना बना रहे हैं उधर आपको मेले के चलता हूँ, इनके थोड़े से कल्चर के बारे में जानते हैं, इनके थोड़ा सा विरासत के बारे में जानते हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ पुष्कर मेले का, और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं दोस्तों। हम एक टेंट में और पहुँचे हैं यहाँ पर, देखो ये राम राम सा, क्या खाना ना बना रहे हो? अच्छा देखो फोन ऑन पर भी बात हो रही है, खाने के बारे में पूछ रहा हूँ। किसकी सब्जी है? अच्छा गोभी की सब्जी और रोटी बनेगी? तो यहाँ पर आप ऊँट खरीदने के लिए लेके आए हो? अच्छा चलो बड़ी अच्छी बात है।